आइए दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी क्या है। जुलाई का बैच आ गया है जिसका एग्जाम 15 जुलाई को है। एनक्यूटी के थ्रू एनक्यूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे स्टूडेंट्स को 19 लाख पर ईयर तक का पैकेज मिला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एनक्यूटी क्या है और जुलाई का बैच में आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी जो है आपका जो जुलाई का रजिस्ट्रेशन है वो है 4th ऑफ जुलाई का लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने का। 4 जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है और आपको जो टेस्ट होगा वो होगा 15 जुलाई को, ठीक है। सो 15 जुलाई को टेस्ट होगा, 4 जुलाई के बाद आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। अभी यहाँ पे आप ऑफिशियल डेटा देख सकते हो एनक्यूटी का, 1.6 लाख से ज्यादा बच्चों को जॉब मिल चुका है एनक्यूटी के स्कोर कार्ड के बेस पे। 2400 से ज्यादा कंपनीज एसोसिएटेड है, कॉर्पोरेट एसोसिएटेड है जो एनक्यूटी के स्कोर कार्ड के बैक पे आपको नौकरी दे रही है, आपको जॉब दे रही है। यहाँ पे आईटी एक बात क्लियर कर लीजिएगा, ये टीसीएस एनक्यूटी है बट सिर्फ आईटी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। आप यदि कॉमर्स बैकग्राउंड से है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो भी आप एनक्यूटी के स्कोर कार्ड को लेके, स्कोर कार्ड के साथ आप अलग अलग कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं के पोर्टल पे, ठीक है। एंड पैकेज जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम पैकेज, हाईएस्ट सैलरी पैकेज 19 लाख तक ऑफर हुआ है एनक्यूटी के बेस पे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे एनक्यूटी का आपका जर्नी कैसा होगा। तो एनक्यूटी की जर्नी, आपको सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी के टेस्ट में अप्लाई करना होगा। टेस्ट के लिए अप्लाई करके आपके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे टीसीएस आपको एक स्कोर कार्ड देगी, ठीक है। स्कोर कार्ड कैसे होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये होगा आपका एनक्यूटी स्कोर, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी तीनों का स्कोर होगा, परसेंटेज होगा, क्वालिफाइड लिखा होगा, एंड ये आपका स्कोर कार्ड आपको हेल्प करेगा आगे कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। चलो आपको स्कोर कार्ड मिल गया, अब आगे क्या करना है। अब आगे आपको उन्हीं के पोर्टल पे मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, किसी की और जगह जाने की जरूरत नहीं है। टीसीएस के जो आपका एनक्यूटी का पोर्टल क्रिएट होगा उसी पोर्टल पे आपको मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आगे उन्हीं कंपनी से आपको कोऑर्डिनेशन कॉल्स आएंगे, एचआर कॉल करेंगे कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया है या फिर नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस है और आपको आगे जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एनक्यूटी के लिए रजिस्टर करना है, एनक्यूटी के टेस्ट की तैयारी करना है। तैयारी कैसे करेंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की जो भी आपको प्रिपरेशन वीडियोस है वो मिलते रहे। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारी कंपनीज एनक्यूटी के थ्रू हायर करती है एंड मैनी मोर। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है पैकेज। दो पैकेजेस है, एक है एनक्यूटी कॉग्निटिव एंड एनक्यूटी आईटी, ठीक है। अभी ये दो पैकेजेस में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो एनक्यूटी कॉग्निटिव जो है वो है नॉन आईटी रोल्स के लिए, ठीक है, या तो एंट्री लेवल आईटी के लिए, ठीक है। एंट्री लेवल आईटी मतलब जस्ट आपने आईटी या मीन्स कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया है उन कैंडिडेट्स के लिए, या नॉन आईटी यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो वो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एनक्यूटी कॉग्निटिव। एनक्यूटी कॉग्निटिव का फीस है 599। दोस्तों ये फीस मुझे नहीं देना है, टीसीएस के पोर्टल पे पे करना है उनको, आपको अप्लाई करना है वहां एग्जाम देना है, बट ये फीस नॉमिनल है। 600 रुपये आप एक दिन की खाने में खर्च कर सकते हो। यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके करियर के लिए बूस्टअप होगा एंड इट विल बी अ मैसिव चेंज इन योर लाइफ, यू विल गॉट अ गुड पैकेज एंड अ गुड कॉर्पोरेट कंपनी टू वर्क, ठीक है। सेकेंड होता है टीसीएस एनक्यूटी आईटी। सो आईटी में यदि आप आईटी रोल में जा रहे हो तो वहां पे हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है। यदि आपको आईटी फील्ड का नॉलेज है, आईटी स्किल्स है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, तो आप टीसीएस एनक्यूटी आईटी सिलेक्ट करना। तो इसका जो फीस है वो 999 है, मतलब 1000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे ही आप इन दोनों में से कोई एक पैकेज खरीदते हो और एग्जाम के लिए शेड्यूल करते हो तो आपका एक एग्जाम शेड्यूल होगा, आपको एग्जाम देने जाना होगा। जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो जुलाई वाला बैच आ गया है, 15 तारीख को एग्जाम है, 4 जुलाई को लास्ट डेट है। अभी यहाँ पे आपको पैकेज खरीदना है और अप्लाई कैसे करना है ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आपका ओपन होगा, ठीक है, ये आपका एक
पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको एग्जाम डेट सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने बताया था, अभी ये जुलाई का बैच है, यदि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो जुलाई का बैच मत लीजिएगा, अगस्त का लीजिएगा। 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप अपना स्किल्स पे काम करेंगे और 1 महीने बाद एग्जाम दीजिएगा। अगस्त का बैच 12 अगस्त का, सितंबर का बैच 16 सितंबर का। तो बैच सिलेक्ट करिएगा प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आपका जैसा प्रिपरेशन उस हिसाब से बैच सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन से सेंटर पर एग्जाम देना है, ठीक है? तो ये TCS आयन डिजिटल जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो आप प्रेफरेंस सिटी दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ पुणे, ठीक है? तो पहला पुणे दे सकता हूँ, फिर सेकंड प्रेफरेंस मैं उस हिसाब से दे सकता हूँ। तो सिटी प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू जब करेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करके आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। अभी एग्जाम की तैयारी क्या करना है, सिलेबस क्या है, ये नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। बट दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 601,000 नॉमिनल फीस है, बट इट विल बी अ बूस्टअप फॉर योर करियर। ऑल द बेस्ट।